श्री मल्लिकार्जुन खड़गे एंड डॉक्टर सरूर शशि थरूर वेयर, मैं आपको ये रिटर्न में दूंगा, सबको बाद में कॉपी मिल जाएगी। वेयर द कैंडिडेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, द पोलिंग वॉज हेल्ड ऑन 17th October 2022 एंड काउंटिंग टुक प्लेस टुडे 19th October 2022 in the presence of the authorized agent of the contested candidate. The total vote polled are 9385. I repeat, the total votes polled are 9385. Sri Mallikarjun Kharge, 7897 vote. Mallikarjun Kharge, 7897 vote. Dr. Shashi Tharoor, 1072 vote. Dr. Shashi Tharoor, 1072 votes. Invalid votes 416. 416 invalid vote. 416. As per the Article 18D. of the Constitution of Indian National Congress, I, Madhusudan Mistry, hereby declare Sri Mallikarjun Kharge elected as the President of Indian National Congress. That's all that I have to say. If you have anything to ask, please say. Congress Party ke प्रेसिडेंट के चुनाव के अंदर दो प्रत्याशी थे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और श्री डॉक्टर शशि थरूर। चुनाव के लिए वोट 17 अक्टूबर को डाले गए थे और आज 19 अक्टूबर का उसका काउंटिंग हुआ था। इस काउंटिंग के अंदर दोनों कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट हाजिर थे। टोटल वोट 9385 पड़े हैं, उसमें से मल्लिकार्जुन खड़गे को 7997 वोट मिले, 7897 डॉक्टर शशि थरूर को 1072 इनवैलिड वोट 416। कांग्रेस पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 के डी के मुताबिक मैं मधुसूदन मिस्त्री श्री मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के चुनाव की मैं जाहिरात करता हूं, मैं डिक्लेयर करता हूं। एक एक करके कोई मॉनिटर को एक एक करके मेरी प्रतिक्रिया उसमें यह है कि ऐसे तो इंटरनल सवाल है, लेकिन मैं उनको पॉइंट बाय पॉइंट जो हमको रिपोर्ट दिया है अपने उसने पीआरओ ने PRO और हमारे सेक्रेटरी ने पॉइंट बाय पॉइंट रिपोर्ट दिया है, वो हम उनको उनका जवाब लिखेंगे। मैं प्रेस को वो रिपोर्ट इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि हमारा पार्टी का इंटरनल इलेक्शन है। थैंक यू। एक एक करके अभी वह तय करेंगे उनके साथ में मिलके कि किस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए करना चाहिए, पर हमारी आशा है कि कई बार जिस तरह राहुल जी के लिए कार्यक्रम हुआ था ऐसा कार्यक्रम हो। अभी नहीं है। उमा शंकर जी, एक एक करके। विजय लक्ष्मी, अभी कहना बहुत जल्दी है, प्रेसिडेंट तय करेंगे। उमा शंकर जी क्या बोल रहे, जरा सुनना, बोलो।
मैं आपको कह दिया, ये कांग्रेस पार्टी का इंटरनल इलेक्शन है। हम उनका जवाब पॉइंट बाय पॉइंट दे के ये तैयार किया गया है। हमारे पीआरओ है तो उसने, मैं सुन तो लो यार, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? मैं बैठा हूँ, आई वोंट लीव, आपके सब सवाल के जवाब दूंगा इसको, क्योंकि हमारा इंटरनल पार्टी का इलेक्शन है, इसलिए मैं उसको प्रेस में देना नहीं चाहता हूँ। हम उनको जवाब देंगे, उन्होंने इसमें से किसने प्रेस में दिया है वो ठीक नहीं हुआ है हमारे हिसाब से, उनको हमको कहना था और हम उनको जवाब देते, क्योंकि उस जो लेटर के अंदर जो चीज़ है उसके अंदर कोई बेसिस नहीं है। अगला सवाल सर, लेफ्ट में है सिद्धार्थ एनआई से। उसका उन्होंने सार्वजनिक किया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको भी हमारा जवाब सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि हम है तो पार्टी की डिसिप्लिन के अंदर हैं और ये पार्टी का इंटरनल इलेक्शन है, इस वजह से उसको हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते। लेकिन मैं एश्योर करता हूँ कि उसके जवाब पॉइंट बाय पॉइंट जो उन्होंने लिखे हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ अनऑफिशियल सील ऑफ बैलेट बैग्स, प्रेजेंस ऑफ अनऑफिशियल, इसका पॉइंट बाय पॉइंट इसमें जवाब तैयार करके दिया गया हुआ है और हम उनको यह जवाब उनको भेजेंगे और उनको बुलाएंगे भी सही कि बताइए आपको हकीकत ऐसी थी कि उनको यह कुछ भी था तो हमसे मिलके पहले बात करनी चाहिए थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कंप्लेन का कोई बेसिस नहीं है और न ही कोई स्पेसिफिक कंप्लेन है, इस मोर ऑफ ए जनरल कंप्लेन। एबीपी आशीष, ये जांच है, यही जांच है, यही जांच है, ये हाँ ये जवाब है, ये जांच है। मैं फिर से बता रहा हूँ और बहुत जवाबदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि पार्टी का मामला है, इस वजह से उनने सार्वजनिक किया, इसका मतलब ये नहीं है मैं भी सार्वजनिक करूँ। क्या भैया, फिर से बोलना जरा। अरे कैसी बात करते हैं आप, उन्हीं लोग मांग रहे थे कि सीक्रेट बैलेट होना चाहिए और पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उनके जो वोटर्स हैं वो घबराए हुए हैं कि हमको बाद में विक्टिमाइज किया जाएगा, इसकी वजह से तो सबको साथ में लेके सब मिक्स किया गया और आप कंप्लेन कर रहे हो। उन्हीं की वजह से सब स्टेट का सब बैलेट मिक्स किए गए, जिसे पता न चले कौन से स्टेट में से किसने कितने वोट दिए। अब आप बता रहे स्टेट वाइज वो मांगा था, किसी ने स्टेट वाइज हमारे पास से नहीं मांगा। क्या भैया, यूपी के 6 बैलेट बॉक्स थे, 6 में से 4 में उनके सिल के ऊपर उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर से बता दूं, सब बैलेट बॉक्स के सिल उनसे चेक कराए गए आज अभी सुबह। 2 बैलेट बॉक्स में उनने कहा था कि इसके अंदर एम्ब्रोस किए हुए जो नंबर है वो नहीं है, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, इतने सारे जो टैग थे उसमें से 2 नहीं हो। वो 2 बॉक्स तुम उनको दे दो 400 वोट तो भी उनके 1072+400 होते, दे दिए उनको चलो। क्या यार, क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं आप। अरे भैया, किसी में सिग्नेचर थी, किसी में नाम था, किसी का सही नहीं थी, किसी ने वन किया था, वगैरह वगैरह। बताया तो सही, किसी ने लिटी की, किसी ने नहीं किया, किसी ने नाम लिखा, किसी ने राहुल गांधी नाम लिखा, किसी ने ऐसा। अरुण ऑन लेफ्ट साइड सर। सुनो सुनो भैया सुनो, साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज।
नो, मैं ये भी बता दूं कि कोई भी अनऑथोराइज आदमी उसके अंदर गया नहीं है। जो वोट देने गया उसको पास से मांगा गया था कि आपके पास में आइडेंटिटी है क्या, आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, वो लेके आए थे उसमें अपना जो दूसरे जो 8-10 कार्ड होते डॉक्यूमेंट के लिए, उनके बोले INC का आइडेंटिटी कार्ड लाओ, वो नहीं आए, उसके बाद के अंदर उनको निकाला गया है। तो उसमें से ये एक इंसिडेंस पूरे सिर्फ सभी स्टेट 36 जगह के ऊपर से हुआ, एक इंसिडेंस में UP के 2 बॉर्ड 4 में से 2 उसके अंदर एक आदमी का सवाल है, उसमें लिखते कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। गिव अस अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल, स्पेसिफिक इंसिडेंस, देर इज नथिंग ऑफ स्पेसिफिक इंसिडेंस इन द कंप्लेन विच इज बीन गिवन टू अस एंड वी हैव प्लेस ए यू नो ऑथोराइज और नॉट ओनली द रिपोर्ट दैट वी हैव गॉट इट फ्रॉम अवर ऑब्जर्वर एज वेल एज यू नो द और द PRO. It is there we ask the PRO to come in the meeting, sorry, come at the counting, you know, the meeting and explain what has happened. And they were satisfied with that. उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उनके प्रोग्राम है तो किए जाएंगे उसके बाद के अंदर, और उसमें फॉर्मली देंगे। हम आज बातचीत कर रहे हैं, हमारे जो पीछे हाँ उसके बाद का फॉर्मेलिटी वही है। अरे लेने भैया हम देंगे उनको मीटिंग करके। अरे यार, अरे दैट इज नॉट अ क्वेश्चन, कम ऑन, थैंक यू वेरी मच। हर तरह की खबर सब तो पहला वेखन लई सब्सक्राइब करो चैनल कांशी TV, हर अपडेट का संकेत मिलता रहे दबाओ बैल आइकन, लाइक करो फेसबुक पेज कांशी TV।